हेलो बच्चों, मैं हूं अजय सर और आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 8 से चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए छोटा सा यहां से जान लेते हैं कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेसिकली नंबर और वेरिएबल दोनों साथ में होते हैं। तो ये हमारा एक नंबर हो गया ए बी सी। तो देखिए ये 2abc इसको रीड करेंगे और ये हमारा एक्चुअल में एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही है। तो आइए देखते हैं, और इस चैप्टर में बेसिकली हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न करना देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो आइए एग्जाम्पल नंबर हम 1 देखते हैं, ठीक है। 2a इंटू कुछ साइन नहीं रहता, वहाँ पर इंटू का साइन होता है, a प्लस 2b प्लस c। देखिए 2a का अपने को इंटू करना रहेगा a से, फिर 2b से, फिर c से। तो आइए देखते हैं इनको इंटू करते हैं, ठीक है। तो 2a का हम इंटू कर देंगे इस a से, प्लस का साइन है तो प्लस, फिर 2a का करेंगे इंटू 2b से, 2a इंटू 2b, यहाँ भी प्लस का साइन था तो प्लस, और 2a का मल्टीप्लाई कर देंगे हम c से, 2a इंटू c। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ कुछ नंबर नहीं है, वरना नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से और वेरिएबल का वेरिएबल से करते हैं। तो ये 2 2 as it is रहेगा, और a का इंटू करेंगे a से तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस 2 का 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और a का b से करेंगे तो a b, प्लस ये 2 as it is और a का c से इंटू करेंगे तो a c। ये हमारा आंसर आ गया। आइए सेकेंड वाला देखते हैं। तो सेकेंड वाला है हमारा 2q प्लस आर प्लस 3s माइनस टी इंटू पी। अब अपने को इस पी का इंटू करना है इन पूरे से, ठीक है। तो पी का पहले इंटू करेंगे इससे, ठीक है। 2q इंटू पी प्लस फिर आर इंटू पी प्लस 3s इंटू पी माइनस, यहाँ पे माइनस करें तो माइनस, और t का इंटू कर देंगे p से। तो आइए इंटू करेंगे तो देखिएगे इसका आंसर क्या आ जाएगा। 2q का इंटू करेंगे p से तो ये हो जाएगा 2pq, पहले p आता है ना इसलिए pq लिखेंगे, ठीक है। प्लस ये फिर r का करेंगे हम p से तो ये हमारा हो जाएगा pr, प्लस फिर से 3s का हम इंटू करेंगे p से तो ये हो जाएगा 3PS या 3SP, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे लास्ट में T का P से करेंगे तो हो जाएगा PT। ये हमारा आंसर हो गया। आइए ये जो थर्ड वाला एग्जांपल है इसको देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। तो ये हमारा थर्ड क्या है, XY प्लस 2Y² Z प्लस X² इंटू YZ². अब ये YZ² का इन सब में इंटू करते जाना है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम इंटू करेंगे, ठीक है। पहले XY से इंटू कर देंगे YZ² का, ठीक है, प्लस 2Y² का इंटू कर देंगे हम YZ² से, प्लस लास्ट में X² का हम इंटू कर देंगे YZ² से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा X वाला और टर्म्स है नहीं ना, तो X तो यहाँ पे रहेगा ही, Y का करेंगे Y से तो ये हो जाएगा Y² और ये Z² एज इट इज़, ठीक है। अब इसमें देखते हैं प्लस ये 2 हमारा एज इट इज़, Y² का Y से करेंगे तो ये हो जाएगा Y³ और ये Z² एज इट इज, प्लस X² Y एंड Z², इनको साथ में लिखेंगे बस, और ये हमारा आंसर हो गया। और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई 5X प्लस 3Y एंड 4X प्लस 5Y टू इच अदर। देखिए इनको मल्टीप्लाई करना है, तो देखेंगे बहुत ही ईजी है। अपन क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन और ये सेकंड।
तो देखिए ये हमारा 5x प्लस 3y, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 5y, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो 5x है ना, इस 5x का मल्टीप्लाई इस पूरे से कर देंगे, ठीक है, फिर 3y का भी मल्टीप्लाई इस पूरे से कर देंगे। तो आइए करते हैं, ये 5x पहले लिख लेंगे और इस पूरे को लिख लेंगे, सेकेंड एक्सप्रेशन को लिख लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y, फिर यहाँ पे देखिए प्लस 3 है तो प्लस 3y, प्लस 3y का भी हम मल्टीप्लाई इस पूरे से कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 5y, ठीक है। अब आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 5x का मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4x से, तो यहाँ लिखेंगे 5x इंटू 4x, प्लस का साइन है प्लस, फिर 5x का ही मल्टीप्लाई करेंगे 5y से, तो 5x इंटू 5y प्लस 3y का मल्टीप्लाई कर देंगे 4x से, तो ये हो जाएगा 3y इंटू 4x प्लस 3y का इंटू कर देंगे हम 5y से, तो ये हो जाएगा 3y इंटू 5y, ठीक है। अब देखिएगा नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से और वेरिएबल का वेरिएबल से, तो 5 का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे, तो 5 4 20 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन है तो प्लस, 5 का 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 और x का y से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3 4 12, y का x से करेंगे तो y x होता ना, तो उसको अपन एक्स वाई लिखेंगे क्योंकि x पहले आता है, एक्स वाई प्लस 3 5 ये हो जाएगा हमारा 15 और y का y से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर। अब देखिएगा ये जो मिडिल वाला टर्म्स आया ना, इसमें वेरिएबल है हमारा एक्स वाई और एक्स वाई, जब सेम वेरिएबल होंगे तब इनको हम ऐड और प्लस कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो इनको हम प्लस करेंगे, ये फर्स्ट का और ये लास्ट का जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ होगा, ये हमारा 20x² प्लस, देखिए 25xy प्लस 12xy, जैसे इसको ऐसे ऐड करते हैं ना 25 और 12, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 37, तो यहाँ पे हो जाएगा 37xy प्लस ये 15y², ये हमारा। आइए बच्चों एक्सरसाइज 4.1 से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लाई द गिवन एक्सप्रेशन टू ईच अदर, तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, सेकेंड लिए हैं, थर्ड लिए हैं, आइए इनको देखते हैं सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई ही करना है, तो देखिएगा फर्स्ट का सॉल्यूशन, तो फर्स्ट में हमारा क्या लिखा है 2x प्लस 7, कुछ साइन नहीं है वहाँ पे इंटू का साइन रहता, तो 2x प्लस 7 इंटू 3x प्लस 2, हम क्या करेंगे इस 2x का मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे सेकेंड एक्सप्रेशन से, फिर 7x का कर देंगे, तो आइए यहाँ पे देखते हैं, ये पहले लिख लेंगे 2x का इंटू कर देंगे हम 3x प्लस 2 से, ठीक है, यहाँ पे प्लस 7 है तो अब लिखेंगे प्लस 7, अब प्लस 7 का भी इंटू कर देंगे इसी से, प्लस 7 का इंटू कर रहे हैं हम 3x प्लस 2 से, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे आंसर, ठीक है, इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का मल्टीप्लाई करना है 3x से, तो नंबर का नंबर से और वेरिएबल का वेरिएबल से करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये हो जाएगा 6 और x का x से हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस, 2 का 2 से करेंगे तो 4, वेरिएबल में कुछ नहीं है यहाँ पे x है तो ये लिख लेंगे x, प्लस 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3x से करेंगे तो पहले नंबर का नंबर से करेंगे तो ये हो जाएगा 21 और ये x, प्लस 7 का 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14। अब देखिएगा ये मिडिल का टर्म्स जो है ये भी x के टर्म्स में वेरिएबल और यहाँ पर भी जो वेरिएबल है वो हमारा x है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि प्लस का साइन है, ये हमारा 6, देखिए यहाँ पे x है और ये एक्स स्क्वायर है ना, तो ये इनका जो वेरिएबल है वो अलग अलग हो गया, ठीक है, डिफरेंट हो गया, x को ऐड कर सकते हैं या x स्क्वायर को ऐड कर सकते हैं, x स्क्वायर और y स्क्वायर को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा 6x² और इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 25x प्लस
14, ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब ये सेकंड वाला देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x-5 इंटू 2x+9। आइए इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप देखिए 3x का मल्टीप्लाई कर लेंगे इस पूरे से, तो इसको लिखेंगे 3x और इंटू कर रहे हैं हम 2x+9 से। फिर देखिए यहाँ पे -5 है तो आप लिखेंगे -5, फिर -5 का भी इसी से इंटू करना रहेगा ना, 2x+9। अब आते हैं इनको इंडिविजुअल इंटू करते हैं, ठीक है। तो देखिए 3x का मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2x से, तो देखिए अब नंबर का नंबर से करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और x का x से तो x2, प्लस का साइन है तो प्लस। 3x का मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 3 9 20 7, और ये हो जाएगा हमारा x। माइनस 5 माइनस यहाँ ये वाला माइनस का साइन है, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2x से, तो ये हो जाएगा 5 2 10 x। प्लस साइन का इंटू करते हैं माइनस साइन से, इक्वल टू माइनस, और 45, ठीक है। अब देखिएगा ये फिर से ये मिडिल वाला टर्म्स, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, मतलब ये कुछ ऐसे है 27-10, तो करेंगे तो इसका आंसर 17 आएगा ना, और इनके साथ वेरिएबल में x है तो साथ में x लिख लेंगे, तो ये हमारा जो 6x2 है ये तो एज इट इज रहेगा, और 27x में माइनस कर देंगे 10x को, तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा 17x, और ये -45 एज इट इज, ठीक है। आइए अब ये थर्ड वाला देख लेते हैं। तो थर्ड वाला को इधर सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, वो है हमारा 7x-6 इंटू 15x-2। तो देखिए पहले 7x का इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7x लिखेंगे, और ये सेकेंड एक्सप्रेशन 15x-2। अब इस -6 का भी इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे 15x-2। अब आइए 7x का इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 7x का मल्टीप्लाई करेंगे 15x से पहले, नंबर का नंबर से और वेरिएबल का वेरिएबल से। तो देखिए 15 7 जो होता है 105, ठीक है, और x का इससे करेंगे तो ये हो जाएगा x2, और 7x का इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 14x माइनस। अब देखिए ये 15x का इस -6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15 6 90 90x, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का साइन का इंटू कर रहे हैं माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 12। अब देखिए ये जो मिडिल टर्म्स है ना, ऐसे इधर साइड में लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, एक है -14 और एक है 90। तो देखिए जब दोनों ही नंबर निगेटिव रहते हैं तो माइनस साइन कॉमन लेके इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इनको देखो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 104, तो ये माइनस का साइन और ये 104 हो जाएगा। तो देखिएगा ये जो है हमारा 105x2, इसको ऐड कर लेंगे माइनस साइन कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा 104x, और ये प्लस 12, ये हमारा आंसर।